आपका आवाज नहीं आ रहा है। देखो सर हम लोग कोई भी पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं सभी पोर्टल हमारा एक जैसा ही है चाहे आप झारखंड ले लो या महाराष्ट्र ले लो या एमईएस ले लो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते हैं। ई प्रोक्यूरमेंट डिफेंस का है ना एचपी ले लो इंडियन ऑयल ले लो या कोई स्टेट ले लो दिल्ली ले लो एमपी ले लो यूपी ले लो कोई भी स्टेट ले लीजिए है ना वेस्ट बंगाल जो भी पोर्टल्स आपको दिख रहे हैं सभी आपको एक जैसा ही दिख रहा है जिसमें आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा ज्यादा या सीपीपी जो हमारा गवर्नमेंट का कॉमन वेबसाइट है सेंट्रल लेवल का इसको हम लोग सीपीपी बोलते हैं सीपीपी प्रोक्यूरमेंट सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल तो ऐसे आपको बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे और आप वेबसाइट का ऐसे लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे टोटल ऐसे थर्टी टू है जहां पर आपने एक वेबसाइट में टेंडर भर लिया तो आप सभी वेबसाइट में टेंडर भर सकेंगे डिफरेंस क्या रहेगा सिर्फ टेंडर पढ़ने का तरीका हर एक टेंडर एक टेंडर से दूसरा टेंडर अलग रहेगा कभी भी आपको एक टेंडर की तरह दूसरा टेंडर नहीं मिलेगा इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टेंडर पढ़ेंगे एटलीस्ट आप चार से पांच टेंडर यदि पढ़ लिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मैक्सिमम फिर वही चीजें रिपीट होगा थोड़ा बहुत आपको अलग मिल सकता है तो जैसे कि सर बोल रहे थे हमारा झारखंड पोर्टल इस पोर्टल्स में भी आपको ऑनलाइन बिडर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा यहां पर भी आपको बीडर इंॉलमेंट मिलेगा कोई भी पोर्टल में आपको टेंडर भरना है तो सबसे पहला काम होता है बीडर इनमेंट कि यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि आपको उस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो चाहिए वो है आपका पैन कार्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस और यदि जो भी कंसर्न पर्सन होगा मान लीजिए जो भी कंसर्न पर्सन होगा जिनका डिटेल्स उनका डिटेल्स मतलब उनका ईमेल आईडी उनका मोबाइल नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ ये सभी चीज एमएसएमई है तो एमएसएमई जिसको आप लोग उद्यम बोलते हैं ऑप्शनल है है तो डाल सकते हैं एमएसएमई रहेगा तो उसके कुछ बेनिफिट मिलते हैं जैसे कि आपको कुछ टेंडर रिजर्व होता है जो एमएसएमई वाले ही भर सकते हैं तो वो टेंडर आप सिर्फ आपके लिए रिजर्व रहेगा कैसे पता चलता है वो तो सर्च में जाएंगे तो पता चलेगा देखो हम लोग एक देखते हैं इसको बोलते हैं प्रिफेंशियल बीडिंग ये टेंडर यदि आपने एमएसएमई में रजिस्टर नहीं किया है तो आपको ये टेंडर भरने को नहीं मिलेगा यहाँ पे जो टेंडर आपको दिखाई देगा ये तीन टेंडर सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो लोग एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर किया है तो हम आपको भी यहाँ पे बिडर इनरोलमेंट करते वक्त ही हम आपको यहाँ पे सभी डिटेल्स बताएंगे चलिए तो जैसे कि हम लोगों ने पहले झारखंड का लिया था तो मैं झारखंड टेंडर झारखंड के बारे में जानता हूं और यहीं पर आपको एक इनोलमेंट करके बताता हूं यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आपको एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यदि मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन है तब भी हम मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी से सिर्फ मुझे क्या बदलना पड़ेगा लॉग इन बदलना पड़ेगा बस यदि मैंने लॉग इन बदल दिया तो हम यहाँ पे कितना भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन को कोई चार्जेस नहीं है हाँ कुछ पोर्टल्स में चार्जेस है जैसे बिहार है वहां पे कुछ 500 चार्जेस है उत्तराखंड है वहां चार्जेस है गुजरात है वहां पे चार्जेस है तो कुछ स्टेट है जहां पे चार्जेस है बाकी मैक्सिमम जगह पे ये फ्री है कोई भी चार्जेस नहीं है आफ्टर एनरोलमेंट आपको डिजिटल सिग्नेचर लगता है और हमको डीएससी से मैपिंग करना पड़ता है मेरे लॉग को जो हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे तो हमारा है सबसे पहला हम लोग बीडर इनरॉलमेंट तो हम यहाँ पे एक बीडर इनरॉलमेंट करते हैं बीडर इनमेंट करने के लिए क्या करेंगे साइट खोलेंगे और ऑनलाइन बीडर इनरोलमेंट हम चाहे तो हर वेबसाइट में भी अपना बिडर इनरोलमेंट कर सकते हैं सेम लॉग इन आईडी सेम ई मेल सब कुछ सेम के साथ तो चलिए देखते हैं एक लॉग इन आई हैं लॉग इन आईडी हमेशा क्या बोल रहा है ईमेल आईडी के फॉर्म में होना चाहिए तो मैं याद रखने के लिए लॉग इन आईडी और ईमेल आईडी को दोनों सेम कर देता हूं कुछ डाउट्स है तो पूछते जाओ तो यहाँ पे लॉग इन आई जो डाला है ना मेरा ईमेल आई ही डाल दिया तो मैंने अपना सेम लॉग इन और ईमेल आई फिलहाल सेम कर दिया यदि आपका पहले से कोई रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दो जीरो तो भी चल जाएगा जीरो फाइव वन जीरो कर दीजिए तो ये आपका लॉगिन आईडी अलग हो जाएगा और ईमेल आईडी अलग हो जाएगा यदि आपका पहले से कोई लॉगिन है तो और है नहीं है तो आप ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी दोनों सेम रख सकते हैं क्लियर है यहां तक चलिए आगे चलते हैं मोबाइल नंबर तो आपका इंडिया का कंट्री कोड आई एन डी नाइन वन और यहां पे मोबाइल नंबर ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया यहां पे पूछ रहा है कंपनी का नाम या लाइसेंस होल्डर का नाम तो आपका कंपनी का नाम और लाइसेंस होल्डर का नाम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है कैसे यदि आप जैसे मेरा कंपनी कैसा है प्रोपरेटरशिप है पर मेरा कंपनी का नाम क्या है भगत टेक्नो तो कंपनी नाम में हम क्या डालेंगे भगत टेक्नो पर मैंने मेरे नाम से ही लाइसेंस बनाया है मेरा नाम आदित्य पंडित है तो मैं यदि मेरे नाम से ही लाइसेंस बनाया हूं जिसको आप लोग सूबे बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में या फिर अनएंप्लॉयमेंट इंजीनियर भी बोलते हैं तो अनुप्लॉयमेंट इंजीनियर का लाइसेंस कोई कंपनी के नाम से नहीं बनता खुद के नाम से बनता है तो जिन लोगों के पास अनइंप्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है वो लोग यहाँ पे खुद का ही नाम डालेंगे तो फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग आदित्य पंडित ही डालेंगे ठीक है बट हमारी कंपनी मेरे पास कोई अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन है मेरे कंपनी फॉर्म किया हूं तो हम लोग मेरा कंपनी जो भी फॉर्म किया हूं एज पर जीएसटी या एज पर उद्यम उसके अकॉर्डिंगली हम वो नाम डालेंगे क्लियर है यहां तक कोई डाउट्स है यहां पे आता है प्रीफरसियल बीडर जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये जो तीन टेंडर है ये प्रीफरसियल बीडर के कैटेगरी में तो आपने यदि यहाँ पे प्रिफ्रेंशल बीडर में ये जो प्रिफ्रेंशल बीडर आपको दिख रहा है यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन यदि नहीं करते हो यहाँ पे इसको टिक नहीं करते हो तो भी चलेगा क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है हम विदाउट चल सकते हैं पर ऐसे केसेस में हमें ये वाला जो टेंडर है इसको हम नहीं भर पाएंगे तो प्रिफरेंशियल बीडर के कैटेगरी में कौन आते हैं इस कैटेगरी में दो लोग आते हैं एक उद्यम और एक दूसरा स्टार्टअप इंडिया तो यदि आपके पास स्टार्टअप इंडिया या फिर एम उद्यम है अभी यदि हम लोग बात करेंगे प्रोपराइटर कंपनी की तो प्रोपराइटरशिप कंपनी में स्टार्टअप इंडिया को एंट्री नहीं है तो मेरी कंपनी प्रोपराइटरशिप है तो स्टार्टअप इंडिया तो मिलेगा ही नहीं लाइसेंस रही बात उद्यम का तो उद्यम है तो हम डाल सकते हैं yes? यस ऐसे कंडीशन में आपको MSME का नंबर यहाँ पे डाल देना है रजिस्ट्रेशन नंबर में बट इसको हम लोग टिक नहीं करते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जैसे कि आपके पास कोई लाइसेंस है आपने कॉन्ट्रेक्टर का लाइसेंस निकाला है तो वो लाइसेंस का नंबर डाल सकते हैं लाइसेंस का नंबर डाल सकते हैं या फिर जीएसटी है तो जीएसटी नंबर डाल सकते हैं उद्यम है उद्यम नंबर डाल सकते हैं yeah. या फिर सॉपेक्ट वगैरह निकाला है तो सोपेट का नंबर डाल सकते हैं या आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड है तो इनकारेशन नंबर होता है वो डाल सकते हैं कंपनी पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डीड का एक नंबर होता है वो डाल सकते हैं मतलब इन शॉर्ट आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन का कोई भी एक प्रूफ होना चाहिए उस प्रूफ का नंबर आपको यहाँ पे डालना है कोई कोई भी भी एक एक सभी सभी नहीं डालना है आपके सभी है आपके पास तो उसमें से कोई भी एक डाल दो जनरली उद्यम को ज्यादा हम लोग देते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने आपको लग रहा है कि बाद में मुझे नंबर बदलना है तो मैं बदल भी सकता हूँ सिर्फ बदल क्या नहीं सकते लॉग इन आईडी नहीं बदलेगा कंपनी का नाम नहीं बदल सकते ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप कभी एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाद में बदल नहीं सकते बाकी सभी चीज आपके लिए एडिटेबल है आप बदल सकते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास अभी कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो और हमें रजिस्ट्रेशन करना है बाद में हम लोग कर लेंगे तो मैं फिलहाल वन टू थ्री फोर डाल देता हूं जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उद्यम वगैरह निकाल लूंगा तो मैं प्रॉपर नंबर डाल दूंगा एड्रेस एड्रेस को तौर पर डाल देता हूं यह हमारा एड्रेस ठीक है तो हम लोगों ने एड्रेस डाल दिया यदि आपकी कंपनी पार्टनरशिप या डायरेक्टर है तो नंबर डाल उनके सबके डायरेक्टर के नाम डाल सकते हो मैंडेटरी नहीं है ऑप्शनल है नहीं डालेंगे तो भी चलेगा इंडिया का कंपनी कहाँ की है इंडियन है या बाहर की है तो बाहर की है तो उसका डिटेल्स इंडियन है तो इंडियन सिटी पुणे स्टेट महाराष्ट्र पोस्टल कोड फोर डबल वन जीरो फोर एट ये मेरा पोस्टल कोड पैन पेन कार्ड का नंबर पेन कार्ड का नंबर एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब आपकी कंपनी चालू हुई तो मेरी कंपनी चालू हुई टू थाउजेंड थर्टीन में तो मैं टू थाउजेंड थर्टीन नेचर ऑफ बिजनेस क्या है तो मेरा तो नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग है ट्रेनिंग आपका क्या है सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क प्लम्बिंग वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क या कोई गुड सप्लाई करते हो या सर्विस प्रोवाइडर हो तो जैसा हो वो डाल सकते हो पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग डाल दिया और मुझे कल कोई सिविल वर्क करना है तो मैं कर नहीं सकता कर सकता उसके रिगार्डिंग मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो मैं वो भी काम कर सकता या फिर मुझे कोई लेबर सप्लाई करना है तो कर सकता हूँ हम लोग लेबर सप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग डाल दिया तो दूसरा काम नहीं कर सकते हम सर सर एक मिनट है थोड़ा हाँ बोलिए अभी नेचर ऑफ़ बिजनेस में मैंने प्लम्बिंग डाला और आ, मैं इलेक्ट्रिकल का काम ले सकता हूँ क्या आ, ले सकते हो ले सकते हैं ना सिविल आ, का भी ओके ठीक है आपको एक चीज का ध्यान देना है जो आपका कोर बिजनेस है कोर ज्यादा आप काम करते हो उसको यहाँ पे डालो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा काम नहीं ले सकते हाँ हाँ सर और एक है बोलिए सर uh, जैसे मैं बिजनेस मैनेजर हूँ तो अभी तो मेरा कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है सो वॉट आई आई कैन डू फॉर देट तो मैं क्या करता हूँ आप अभी बिजनेस नहीं करते हो नहीं नहीं फिलहाल तो आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो पहले ये मुझे जानना पड़ेगा फिर मतलब एक अल्टरनेट uh, सोर्स की तरह uh, मतलब like आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो ना Address, हाँ है, yes, 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 मतलब, yes. तो आप किस बिजनेस में आना चाहते हो ये तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा सिविल में आप सिविल वर्क करोगे मैकेनिकल वर्क करोगे इलेक्ट्रिक करोगे या कोई मेंटेनेंस का काम करोगे जैसे ना, समझ हमारा लाइफ लाइफ साइंसेस मतलब बायोटेक्नोलॉजी 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 बोल के डाल सकते हो अच्छा मतलब तो डाल सकते हैं हाँ अच्छा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही काम है आप दूसरा अच्छा, भी अच्छा। काम ले सकते हो जो भी आपको लग रहा है आपका इंटरेस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे पहला डालना है अच्छा, ओके, ओके, क्लियर है और किसी को कोई डाउट से है यहाँ तक में चलिए तो आगे चलेंगे लीगल स्टेटस आपकी कंपनी कैसी है लिमिटेड कंपनी है अंडरटेकिंग है जेबी में है पार्टनरशिप है या अदर्स मेरी कंपनी प्रोपोराइटरशिप है तो हम यहाँ पे प्रोपोराइटरशिप का ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे अदर्स कंपनी कंपनी कैटेगरी 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 तो तो कैसा है 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 यदि मेरे पास उद्यम तो उद्यम में होता माइक्रो स्मॉल मीडियम किसमें है नहीं है तो अदर्स यदि आपके पास एस एस आई है इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत पहले बनता था देखो अभी यदि है वो तो डाल सकते हो या फिर जिनके पास सुबह का लाइसेंस है अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का लोग प्रोजेक्ट एफेक्टेड पर्सन ऑफ दिस कंपनी ये डाल सकते हैं या अदर्स भी डाल सकते हो तो मैं फिलहाल अदर्स कर देता हूं क्लियर है टाइटल अभी जो भी एक होगा उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो यहाँ पे मैं ही हूँ प्रोपराइटर से मुझसे ही जब भी टेंडर वगैरह का रिगार्डिंग यदि डिपार्टमेंट को कुछ बात करना है तो कौन से कंसर्न पर्सन से बात करेगा तो उनका डिटेल्स तो मैं ही हूं कंसर्न पर्सन मेरा डाल देता हूं या जैसे हमारे दत्ता सर बात कर सकते हैं तो दत्ता सर का दत्तात्रेय ये ये हमारे कंसर्न पर्सन है मतलब अभी ये टेंडर यदि मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया इसके बाद यदि कोई भी डिपार्टमेंट को कोई कंसर्न है किसी मैंने टेंडर भरा और उसके रिगार्डिंग कोई कंसर्न है तो वो किनसे कॉन्टेक्ट करेगा तो सर से कॉन्टेक्ट करेगा डेट ऑफ बर्थ उनका तो उनका एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं और डेजिग्नेशन मैंडेटरी नहीं है डालना चाहे तो डाल सकते हैं मैनेजर अकाउंटेंट जो भी है या फिर ओनर है तो प्रोपराइटर है ओनर है जैसा है डायरेक्टर है पार्टनर है है ना मैंडेटरी नहीं है मैं तो छोड़ भी सकते हो फोन नंबर भी ये अभी और मैंडेटरी नहीं रह गया पहले ये मैंडेटरी था अभी नहीं है और यहाँ पे हम लोग इसका कैप्चर डाल देंगे क्लियर है कोई डाउट है इसमें रजिस्ट्रेशन में तो बताओ

पर जितना रजिस्ट्रेशन करोगे उतना डिजिटल सिग्नेचर नया लगेगा बस इतना ही है सेंड वेरिफिकेशन कोड दो कोड जाएगा एक मोबाइल पे और एक ईमेल पे पासवर्ड पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं जैसे कि मिनिमम एट कैरेक्टर मैक्सिमम थर्टी टू होना चाहिए लोअर केस और अपर केस होना चाहिए जीरो टू नाइन में होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए तो मैं जनरली जो पासवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं एडमिन का ए कैपिटल एट द रेट वन टू थ्री उसमें सब है ओके okay, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया अभी वेरिफिकेशन कोड जो मुझे मोबाइल पे और ईमेल पे आया है तो देखो एक वेरिफिकेशन कोड आ गया है मुझे जैसा आया है वैसा ही डालना है डाल दिया और ये कैप्चर डाल देंगे और इसको करेंगे सबमिट हो गया हमारा योर पासवर्ड हैज सक्सेसफुली मतलब हमारा पासवर्ड बन चुका तो ये एक रजिस्ट्रेशन का बहुत इजी प्रोसेस है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कितने भी कर सकते हो सिर्फ लॉगिन आईडी बदलना है मुझे फिर से करना है तो फिर से कर सकता हूँ यही आईडी और यही सब कुछ मैं दूसरे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो सेम तरीके से कोई भी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं आप यही आईडी भी रख सकते हो पर यहाँ पे यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया झारखंड में भी किया महाराष्ट्र में भी किया डिफेंस में भी किया वेस्ट बंगाल में भी किया आप हर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ बिडर इनरोलमेंट हमेशा एक नया बनाना है चाहो तो आप सेम आईडी और सेम पासवर्ड रख सकते हो बट याद रखो डीएससी भी यहाँ पे अलग अलग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो डीएससी भी आपको यूज कर सकते हो आपको हर एक पोर्टल के लिए नया डीएससी बनाने की जरूरत नहीं है एक ही डिजिटल सिग्नेचर आप हर जगह यूज कर सकते हो बट यदि आप झारखंड के पोर्टल में ही दो लॉग बनाते हो इसी पोर्टल में तो फिर आपको दो दौड़िए तो 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 क्लियर है गया। को डाउट से किसी को अभी हमारे पास आईडी और पासवर्ड मिल गया तो मैं लॉगिन कर सकता हूं मैं करके दिखाता हूं तो आप लोगों को सबको मेरा आईडी पासवर्ड तो पता ही है ठीक है हमने वो डाल दिया और इसको करते हैं प्रोसीड हो गया लॉग इन पर मुझे इसके आगे जाने नहीं देगा आगे जाने के लिए बोलेगा आप डीएससी पहले मैप करो यहाँ पे हमेशा डीएससी हेलो वो मैपिंग कर लगा सर एक मिनट हेलो सर एक मिनट जब मैं बोल रहा हूँ तब तो नहीं बोलना है उसके बाद बोलना है ठीक है तो यहाँ पे आपको पहला डीएससी मैपिंग करना पड़ेगा पर हमने डीएससी लगाया तो क्या मैप हो जाएगा नहीं बिल्कुल भी नहीं इसके लिए सिस्टम का पूरा सेटिंग आपको पहले करना पड़ता है जब तक सेटिंग प्रॉपर नहीं होगा तब तक डीएससी भी आपका मैपिंग नहीं होगा और डिजिटल सिग्नेचर अभी क्लास थ्री का ही चलता है और क्लास थ्री का ही लगेगा यहाँ पे डीएससी में भी दो पार्ट होता है एक साइनिंग और इंस्क्रिप्शन तो आपको सिर्फ साइनिंग से काम हो जाएगा इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं है इस पोर्टल को हम लोग डीएससी के बारे में आगे थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कैसा कैसा रहता है तो ये था हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बोलिए कोई डाउट है किसी को बोलिए राज सिंह आरजे सिंह हेलो हाँ, हाँ सर बोलिए मैं आर्किटेक्ट हूँ चंदन सिंह इलाहाबाद प्रयागराज हाँ

जी क्लियर किसी को कोई डाउट तो ये हम लोगों ने पहला देखा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर